मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और ऊर्जा के क्षेत्र में सूबे ने कई कीर्तिमान तय किए हैं। ये दावा किया है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने, जिन्होंने अपनी उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और जनता को लाभ देने की बात कही। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने अपने विभाग की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। उन्होंने बताया कि अब विद्युत विभाग की संपत्ति पर विज्ञापन लगाए जाएंगे ताकि ऊर्जा विभाग को अतिरिक्त आय हो। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विभाग के खर्चे कम कर जनता को लाभ देने का काम किया गया है। ट्रांसफार्मर है, उसके आसपास जो विज्ञापन लगाए जाएंगे उसमें ट्रांसफार्मर कैसे आप देखिए, वो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो बोर्ड लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई भी प्राइवेट कंपनी, वहाँ जालियाँ लगाई जाएंगी, कोई प्राइवेट कंपनी उस पर अपना प्रचार प्रसार करना चाहती है तो उनको हम उपलब्ध कराएंगे और वो उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए टेंडर होंगे, टेंडर प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आय बढ़ेगी इससे बिल्कुल निश्चित रूप से। बिजली मैसेज भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इन दिनों में बिजली की कीमतों की वृद्धि ना के बराबर है हुई है। हम अपने लाइन लॉसेज करके, अपने खर्चे कम करके उपभोक्ताओं पर वजन ना बने, ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने कहा कि प्रदेश में सरप्लस बिजली पैदा हो रही है, जिसके जरिए प्रदेश ने कई कीर्तिमान स्थापित की है। देखिए, आज मध्य प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सरप्लस 17,065 मेगावाट बिजली इस रवि सीजन में हमने निर्बाध रूप से लोगों को दी है, जो प्रदेश की सर्वाधिक सप्लाई। इधर देखिए, और आपको ये बता दें कि हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए। हमने इस वर्ष लाइन लॉसेज कम किए। दूसरा, मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि लगभग हम 90 से 95 लाख लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का बिल देते हैं। इधर देखिए, और जिसमें लगभग हमारी 6,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश शासन देती है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए हम किसानों को सब्सिडी के रूप में देते हैं। और इस वर्ष हमने उत्पादन के क्षेत्र में, इन दो वर्षों में हीट रेट कम की, ऑयल खपत कम की, ट्रिपिंग हमारी कम हुई, जिससे हमने दो वर्षों में 75 करोड़ रुपए की बचत की है। इन दिनों में हमारे ट्रांसफार्मरों के कम गारंटी पीरियड में ट्रांसफार्मर ज़्यादा फूके हैं, गारंटी खत्म होने के बाद हमारे वो ट्रांसफार्मर कम फूके हैं, इसके कारण भी हमें बचत हुई है। और हमारा इस वर्ष, इन दो वर्षों में हम लगभग 25,000 करोड़ की ट्रिपल आरडीएस योजना के तहत लाइन सुदृढ़ीकरण, ट्रांसफार्मर का की उसकी क्षमता में वृद्धि, लाइनों का सुदृढ़ीकरण, सब स्टेशनों की संख्या में वृद्धि, ये काम करने हम जा रहे हैं। और हम दो नई इकाइयां भी स्थापित करने जा रहे हैं, जिससे आने वाले, और ग्वालियर में तो विशेषकर अभी 132 केवी सब स्टेशन का फूलबाग में भूमि पूजन किया, 132 केवी हम सिकंदर कंपू पे ला रहे हैं, बिलुआ में ला रहे हैं, और हम रिंग मैन लाइन ग्वालियर शहर में लगभग 150 करोड़ की लागत से बनाने वाले हैं, जिससे शहर को विद्युत की प्रवाह में कोई रुकावट ना आए, ये काम करने जा रहे हैं। इसी तरह ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों में सोलर प्लांट के लिए किसानों को विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी देने की घोषणा भी की गई। साथ ही बताया कि बिजली चोरी की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले बिजली चोरी सिर्फ 20% रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।